समोसा लीजिए। अच्छा चाय बन रही है। वैसे आपका काम बहुत मेहनत का है ना? वो तो है बहुत। क्या मेहनत? मेहनत तो। आपको डर नहीं लगता? बात की यार भाई, काम है वर्क ही वर्क। अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात है। ये है वैसे पुण्य का काम। आप खाइए। तो आपने बहुत लोगों का काम किया होगा ना? एक्सक्यूज मी, मैं शट। देख नहीं रहा नाश्ता हो रहा है? चल जल्दी से यहां से भाग इसदा, वरना भड़क जाएंगे शोले, लग जाएगी आग इसदा। आप लीजिए समोसे। आप लीजिए। ये क्या बदतमीजी है? आप लोगों को मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं? चींटी की शक्ल के दिख रहा है तू कौन है? यहाँ ज्यादा अपना इंट्रोडक्शन मत दे। देखो बोला ना अभी बंद है चौकी, रात हो गई है, हम लोग भी आराम करते हैं। दुकान मंगल होती है कि नहीं होती है? तो चौकी भी बंद होती है। सुबह है ना, सुबह आपकी सारी बात समझेंगे, आपका हल करेंगे हम मामला। अभी जाओ, बाय। इस टाइप की बेइज्जती मेरी किसी ने नहीं की। फिर आ गया तू? फिर आ गया? सब सब पता क्यों चक्कर काट रहा है तू यहाँ के? तेरी साइकिल देख ली थी मैंने बाहर, दिल बनवाया ना तूने पीछे साइकिल के? दिल बनवाया? किसके लिए बनवाया? कुछ हुआ था क्या? डॉक्टर चंद्रभूषण वाजपेयी, वेलकम टू आवर चौकी। आई होप सबने आपका अच्छा स्वागत किया। ऐसे माफ कर दीजिए, ऐसे जरा भूलने की बीमारी है, बाकी सब तो ठीक था ना आपके साथ? एक्सक्यूज मी सर, आप इन्हें डॉक्टर साहब क्यों कह रहे हैं? डॉक्टर साहब तो ये है ना जो बैठे चप चप करके समोसे खा रहे हैं। अब एक मिनट, मैं कोई डॉक्टर डॉक्टर नहीं हूँ। अब भाई मैं तो कुरियर वाला हूँ और इंस्पेक्टर बजरंग पांडे जी को चिट्ठी देने आया हूँ। रख रख ये भी रख। ये आपका चिट्ठी है, यहाँ साइन कीजिए। क्या कहिए यहाँ पर? साइन कीजिए। साइन कीजिए? जरा मुड़िए। ये क्या खिला पिला के मारो, ऐसा थोड़ो ना। अरे हाथ धो गए इंस्पेक्टर साहब, बेफालतू में बेइज्जती। जब से आए दोनों के दोनों बेइज्जती कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसे नहीं रुकता मैं, एक पल नहीं रुकूंगा मैं, जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब माफ कर दीजिए, हम माफी मांगते हैं। अबे माफी मांगो बे। सॉरी सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी। इतने मासूम चेहरे इन देखकर हम इमोशनल हो गए। आप नहीं हो रहे डॉक्टर साहब, माफ कर दीजिए, बेचारे माफी मांग रहे हैं आपसे, प्लीज। ठीक है, मैं इनकी पहली और आखिरी गलती समझ के इनको माफ कर रहा हूँ। थैंक यू, आगे से ध्यान रखना। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, जैसा कि आपने मुझे मिस चंद्रमुखी चौटाला के केस में बताया था, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मिस चंद्रमुखी चौटाला के अंदर किसी आत्मा का वास है। देखा सर, हम क्या कह रहे थे? आप सही कह रहे थे। सबसे पहले हमें उस आत्मा को चौटाला जी के अंदर से बाहर निकालना होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ऐसी आत्माएं इंसान के शरीर में हमेशा के लिए अंदर नहीं रहती हैं। आत्माएं मूडी होती हैं, उनका मूड हुआ तो वो बाहर भी जा सकती हैं और अपना काम पटा के वापस आ सकती हैं। Are you sure, डॉक्टर साहब जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है? 100% श्योर। तो सबसे पहले हमें उनकी आत्मा को उनसे बाहर निकालना होगा। कल रात आप चंद्रमुखी को किसी भी तरीके से मेरे क्लिनिक पे ले आइए। पर एक बात का ख्याल रहे, इस मामले को आप जरा भी हल्के में मत लें, वरना सबकी वाट लग जाएगी, क्योंकि चंद्रमुखी की जान को खतरा है। अगर ये बात है तो हम उन्हें कुछ होने नहीं देंगे, उन्हें बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे डॉक्टर साहब। कल रात हम उन्हें आपके क्लिनिक में लेकर आएंगे डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए।
Keep the change, my friend. मिश्राला कैसा लगा आपको डिनर? अरे सर डिनर तो एकदम फंटास्टिक था. और आज की जो ये शाम है सर, ये तो आपने एकदम परफेक्ट कर दी. मतलब इतनी बढ़िया कॉफी पिलाई, घुमाया, गुब्बारे भी दिलाए और इतना बढ़िया आपने डिनर कराया. सर आपका बर्थडे रोज हो सर. मिश्राला एक बात कहे आपसे, अगर आप हमारे साथ हैं ना तो समझिए हमारा बर्थडे रोज है. So sweet, sir. मिश्राला एक बात करनी थी आपसे. शांत दिमाग से सुनिएगा, आराम से, यू नो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बस सुनिएगा. अरे सर आपकी कौन सी बात नहीं सुनी मैंने, आप प्लीज कहिए, मैं सुन रही हूँ. वेरी गुड. एक सेकंड ना, एक्सक्यूज मी मिस्टर. हाँ प्लीज. हेलो. अरे क्या है, क्यों फोन कर रहे हो बीच में? हम कर रहे ना, सेटिंग कर रहे. अबे हाँ बे, लेकर आ जाएंगे हम, फोन रखो. चलो बाय. तुम क्या कह रहे थे मिस्टर? चौटाला आप ठीक तो है ना? आप हम ऐसे घूर क्यों रही? Excuse me, कहीं ये वाला मामला तो नहीं है? बहुत होशियार समझता है तू. ये वाला मामला है? मुझे पता है तू मुझे कहाँ लेके जाने वाला है. इतनी ताकत. जिसका डरता वही हुआ इसदा, फट गया ज्वालामुखी, निकल गया धुआं इसदा. प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर प्लीज, अब आप ये मत कहिएगा कि आपकी ये टांग मैडम ने तोड़ी है. वेल सर, अब आप ये मत कहना मॉम को आप उस डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाए और खुद आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ गई. सर मैं गोलू, मैं कुछ बोलू? खबरदार भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब खामोश हो जाएंगे. यार दर्द के मारे हमारी ऐसी की तैसी हो गई, सब पक 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 कर रहे हैं यहाँ पर. सर आपका एक हाथ गया, एक गई टांग इसदा, प्लीज आपके साथ बताइए ये कैसे हुआ टिंग टांग इसदा. अबे क्या बताया बे, क्या हुआ हमारे साथ, बहुत बुरा हुआ. हम इस चौटाला को डॉक्टर चतुर्भूषण वाजपेयी के यहाँ लेके जाने वाले थे, हमने अपना नकली हैप्पी बर्थडे भी मना लिया, बस उठने ही वाले थे कि मिस चौटाला ने हमारे साथ ये कर दिया. ये छूटी जा. आए हाय. माय गॉड. अरे सर यो के कर लिया इब टांग तुड़वा ली है. के हुआ, कैसे हुआ सर? कहीं गिर पड़े या किसी से भीड़ पड़े? ये आप पूछ रही है? मैं ही पूछ रही हूँ सर, आई एम कंसर्न्ड. कैसे हो गया बताइए. कितनी भोली भाली बन रही है आप, कितनी भोली ना, नॉटी स्वीट लिल इनोसेंट गर्ल. आपको तो कुछ पता ही नहीं ना क्या हुआ. एक्सक्यूज मी सर, खुल के बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं. बोल दे. हमारा ये हाथ और हमारी ये टांग आपने तोड़ी है. Yes! Yeah, yeah! क्या? मैंने? Yeah! मैंने तोड़ी आपकी टांग और हाथ भी? सर अजीब मजाक कर रहे हैं आप. सच यही है, इल्जाम नहीं लगा रहे, सच है. आपने हम जिस वक्त आपने हमारी ये टांग तोड़ी और हमारा ये हाथ तोड़ा, उस वक्त आप होश में नहीं थी. उस वक्त आपके अंदर कोई आया हुआ था, सम स्ट्रॉन्ग पर्सन. हमारे अंदर कोई आया हुआ था? सर आप कैसी बात कर रहे हैं आप? डू यू हियर द वर्ड्स कमिंग आउट ऑफ योर माउथ? कौन आया सर?
Who is it? वही मॉम जो ड्राइंग है बनाती इज द, आपके अंदर है आती इज द। हाँ मैडम, सब लोग सच कह रहे हैं। पता नहीं मैडम, आपको कुछ कुछ हो जाता है, आप कुछ और बन जाती हैं, और आपने उस दिन मेरे देवता समान जीजू यानी कमिश्नर साहब की बहुत इंसल्ट किए मैडम। थैंक यू। ओए होए 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 होए, ऐसा है इब ज्यादा हो रहा है, ये सब बकवास खड़े खड़े सुन रही हूँ तो यो नहीं कोई कुछ भी बोलता जाएगा, मैं लप्पा लगाऊंगी खेच के। मॉम, हम उस रात जी आपके घर गए थे जी, और हमने खिड़की से देखा था कि असंभव। संभव है मिस चौड़ाला, संभव है, इसलिए हम आपको डॉक्टर चतुर्भूषण वाजपेयी के यहाँ लेके जाने वाले थे, जो इन सब मामलों में एक्सपर्ट है, ताकि वो पता लगा सके कि एक्चुअल में अंदर मामला है क्या। ऐसा है, ये जो भी प्रैंक मैडम के साथ आज खेलेंगे, सर को भी शामिल करके, ये जो प्लानिंग हो रखी है ना, इसकी तो प्लानिंग की मैं बहुत हो गया मजाक, बकवास करने की जरूरत ना है, हैं? और ये जो हॉरर फिल्में है ना, ये जरा ये देखना बंद करो केबल टीवी पे। और डॉक्टर की रही बात, तो कोई किसी डॉक्टर डॉक्टर के पास जा नहीं रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बकवास कर रहे हैं। अरे छोड़ाला सर, सर अब क्या होगा? ये तो आ नहीं जाएगी, तो डॉक्टर चतुर्भूषण वाजपेयी को यहां बुलाना होगा। I'm very upset with you, sir. मारे मना करने के बावजूद सर, हाँ विथ यू ओनली, और कौन है यहाँ? मैंने मना करी थी ना आपसे, फिर भी आपने उस डॉक्टर को यहाँ बुलवा लिया हमारे से मिलाने। इसका मतलब यह है कि आपको लगता है हमारा दिमाग खराब है? नहीं मिश्राला, हमें ये नहीं लगता, लेकिन हम ये बात मानते कि हमारा आपके लिए कुछ फर्ज है, हमारा आपके लिए कुछ कर्तव्य है, इसलिए आप हमें अपना माने या ना माने, लेकिन हम आपको अपना मानते हैं। ओए होए 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 होए, और आज हम ये बात कहते हैं कि आपको उस डॉक्टर से मिलना होगा। आई विल नॉट लिसन टू एनीथिंग व्हाट यू से, आपको मिलना होगा तो मिलना होगा, बस एक जिद है बस, और तो कोई बात है नहीं, जो भी है मिलना होगा। वेल, हो रही है कुछ हमिंग इज द, डॉक्टर साहब कमिंग इज द। यो हमारा इलाज करेगा? हमने सुना था बड़ा बड़ा डॉक्टर है। टाइम पास करवा लो बस। हेलो एवरीबॉडी, नो 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 मैडम, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि आपके पूरे केस के बारे में मुझे इन्होंने पहले से ही बता दिया है। मेरी स्टडी ये कहती है कि मुझे उस आत्मा को यहाँ चौकी में बुलाना होगा जो आपके शरीर के अंदर आ रही है और मूड हुआ तो जा रही है, और मैं उसको कैंडल जला के यहाँ बुलाऊंगा। लेकिन इस टाइप की क्रिया में मैडम आपका मुझे फुल सपोर्ट चाहिए, क्या आप मेरा सपोर्ट करेंगी? बोलिए बताइए, चुप क्यों हैं आप? बोलिए बोलिए। वरना उठा के पटक दूंगी, भाग जा। घबराने की बात नहीं है, इस टाइप की दुष्ट आत्माओं से गुल्ली डंडा खेलना मेरा रोज का काम है। क्या कर रहे हैं? ओ डॉक्टर साहब, वहां कैसे पहुंच गए? नहीं। अरे कोई बताएगा? बताएगा नहीं जी।
बताएगा नहीं, दिखाएगा। जो कुछ भी यहाँ अभी हुआ है ना, उसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। ये देखिए, इसमें आप डॉक्टर साहब को कैसे गेहूं की तरह ढूंढ रही हैं। वो सब मैंने करा है। यस यस हाँ मिस चौटाला, और ये भी आपने किया। आपने हमारे हाथ और पैर तोड़ दिए, सब आपकी कृपा थी। विश्वास नहीं हो रहा, और यो रिकॉर्डिंग तो झूठी ना हो सके। इसका मतलब ठीक है डॉक्टर साहब, करिए हमारा इलाज। मैं खुद जानना चाहती हूँ कि हमारे साथ ये सब कैसे हो रहा है। ओके, तो ठीक है, फिर मैं उस आत्मा को चौकी में बुलाऊंगा। लेकिन एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि वो आत्मा जो है वो कभी भी हिंसक हो सकती है। इसलिए मैडम, इसलिए मुझे आपके सामने कोई दो व्यक्ति ऐसे बैठाने होंगे जो उस आत्मा की खतरनाक मार को सह सकें। उसकी आप चिंता ना करें, मैं ऐसे दो लोगों को जानती हूँ जिनका जन्म ही मार खाने के लिए हुआ है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब उस आत्मा को आना ही होगा, आना ही होगा। जैसे ही वो आत्मा किसी शरीर में आएगी, वो शरीर हिलने लगेगा, मतलब कि वो बुरी तरीके से हिलने लगेगा। लेकिन वैसे तो उस आत्मा को मैडम के अंदर ही आना है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसका मूड हुआ तो वो हम में से किसी और के शरीर में भी आ सकती है। Well. लेकिन जब भी वो आत्मा किसी मर्द के शरीर में आती है, तब उस आत्मा को वश में करने का एक ही उपाय है, उस आदमी की बुरी तरीके से कुटाई कर दो, मतलब कि उसको रुई की तरह से धुन दो, मारो, खूब मारो उसको। चलो अब सब मिलकर हमारे साथ ध्यान करो। सो मंगल। सोम 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 भैया के अंदर आत्मा आ गई।